तो मैं राजीव बंसल हांसी की आवाज से मीडिया के माध्यम से हम आपको ऐसी पर्सनालिटी से, ऐसी सेलिब्रिटीज से, ऐसी व्यक्तित्व से मिलवाते रहते हैं जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल किया। आज हम एक ऐसे सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात करवाना चाहते हैं जिन्होंने दो दो खिताब जीते। आप हैं पूजा अध्यान, मिसिज हरियाणा और मिसिज इंडिया रही, अब भी हैं, कंटिन्यू कर रही है। 2019 के अंदर ये कंटेस्ट हुआ था और अब भी वो कंटिन्यू है। एक खूबसूरत मोहतरमा, एक असिस्टेंट प्रोफेसर यानी प्रोफेसर कॉलेज में, और एक सोशल एक्टिविस्ट, तीन तीन क्वालिटी आपके अंदर है। और ऊपर से ये ग्लोबल पेंडेमिक आ गया है, ऐसे में जब एक सेलिब्रिटी से हम बात करते हैं और उसने इतने स्टार्स लिए हों इंडिया लेवल के, उस वक्त घर से बाहर ना निकलना, लॉकडाउन में रहना, कलाकारों की यानी कि उस पे लाइफ क्या इफेक्ट पड़ता है, बताइए। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करना चाहूंगी। कलाकार कहने का अर्थ हुआ कला का दीवाना। जब कलाकार किसी भी कृति को एक अंजाम देता है तो उसके लिए सबसे जरूरी है उसका माइंड का मेडिटेशन करना या एक स्थान, एक उसमें, हाँ जी, उसको अपना एकाग्रता का बहुत ज्यादा, हाँ जी, तो उसको बहुत जरूरी है कंसंट्रेशन करना। तो उसके लिए जरूरी है आपको एकांत में रहना। जैसा कि अभी लॉकडाउन के समय में हम सब अपने घरों में सिमट कर रह गए हैं, बहुत सारे हमें सरकार की तरफ से भी बहुत सारी हमें नियमों का पालन करना पड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कलाकार को एक पॉजिटिविटी को साथ लेकर के, एक सकारात्मकता को साथ लेकर के अपने जो समय है वो एक अपनी रचनाओं को यानी कि पुस्तकें पढ़ें, ताकि वो पुस्तकों को पढ़ करके अच्छी कला को एक अंजाम दे सकें। मैं जैसे कि मैं अपने हरियाणवी संस्कृति की बहुत कदरदान हूँ, तो जैसा कि अभी देखिए बहुत समय से हरियाणवी जो प्लेटफॉर्म है उस पर बहुत अच्छे गीत लगा लीजिए वो नहीं आ रहे थे, वो फुहड़ता आ रही थी, लेकिन अब मैं देख रही हूँ बहुत सारे ऐसे राइटर आ चुके हैं, ऐसे गीतकार आ चुके हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो ऐसा उनके लिखने से पता चल रहा है कि वो कितना उस पर ध्यान दे रहे हैं और हमारी संस्कृति को साथ लेकर के चल रहे हैं। तो मुझे लगता है इस समय में ये बहुत ही अच्छा समय है कि वो एक अच्छी अच्छी रचनाएं लिख सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे गीत आने वाले समय में हमारे समाज में भी आएंगे जो कि हमारे समाज का दर्पण होंगे। पूजा, आप अपने आप को मेंटेन कैसे करती हैं? एक बिटिया की माँ भी हैं। हाँ जी। आपने अपनी फिजिकली को फिजिकल मेंटेन किया हुआ है। हाँ जी। माशाल्लाह खूबसूरत तो हैं। जब आप मिसेज हरियाणा रही हैं और मिसेज इंडिया रही हैं। हाँ जी। फिजिकली कैसे मेंटेन करती हैं अपने आप को, यानी तंदुरुस्त रहने के लिए, फिट एंड फिटर रहने के लिए? देखिए सर, जैसे कि मैं एक औरत हूँ, हरियाणा में महिलाओं को आप देखिएगा कि वो एक आजादी नहीं मिलती, लेकिन मैंने अपने आप को सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखा, क्योंकि सबसे जरूरी है जब आप खुश नहीं रहेंगे, खुद से प्यार नहीं करेंगे तो आप सोसाइटी को वो समय नहीं दे सकते हैं। तो मैं जो भी किरदार निभाती हूँ, चाहे मैं एक बेटी का, एक पत्नी का, एक माँ का और एक बहू का, उसके लिए जरूरी है मेरा खुश रहना। खुश रहने के लिए जरूरी है पॉजिटिविटी। मैं हमेशा सकारात्मक रहती हूँ, चाहे मैं कोई भी कार्य शुरू करूँ, चाहे मैं कोई समाज कल्याण के लिए कार्य करती हूँ, चाहे मैं कॉलेज में अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को लेक्चर देती हूँ, जहाँ मुझे एक अच्छा टीचर बनना है मैं वहाँ उनके साथ टीचर की तरह रहती हूँ, लेकिन जहाँ मुझे एक फ्रेंड बनने की जरूरत है मैं फ्रेंड की तरह भी उनको उसी तरीके से ट्रीट करती हूँ। तो जरूरी है कि आपका खुद पर आत्मविश्वास होना कि आप किस समय किस स्थिति को किस प्रकार से आपको हैंडल करते हैं। भूमिकाएं निभाती हैं, माँ की भूमिका, पत्नी की भूमिका, और एक अच्छे कुलीग के साथ एक फ्रेंडशिप वे में बात करती हैं, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं। अब सारा विश्व सिमट कर रह गया है एक ग्लोबल पेंडेमिक में, एक वैश्विक आपदा आई है, ऐसे में कॉलेज में स्टूडेंट्स नहीं आते हैं, उनके भविष्य को लेके इंटरोगेशन हो गया है, ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस लग रही हैं। क्या समझती हैं कि बच्चे रिक्यूब कर पाएंगे क्या, उनके इतने लैग बिहाइंड होते जा रहे हैं?
देखिए सर, ये तो एक समय की मांग है, ये हमारी एक मजबूरी भी है कि हमें सब कुछ ऑनलाइन करना भी पड़ा है, लेकिन बहुत समय से ही, ऐसा नहीं है कि अब एजुकेशन ऑनलाइन आई है, एजुकेशन हमेशा से ही ऑनलाइन रही है, बच्चे धीरे धीरे उसमें पॉलिश भी हुए हैं, लेकिन अब ये है कि अब हमारे पास वो कोई सोर्स नहीं है कि हम बच्चों को घर जाकर पढ़ाएं, लेकिन हमें समय समय पर गाइडलाइन भी मिलती हैं हायर एजुकेशन से, हमारे प्रिंसिपल से, और हमारे कॉलेज में भी, मतलब सभी स्टूडेंट्स को हमारे लेक्चर ऑनलाइन पहुंच रहे हैं और लिंक्स बनाए गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए हैं, बच्चों को, सभी रोल नंबर्स को हम उस पर एक साथ लेते हैं और हमारे लेक्चर उस पर अपलोड करते हैं, तो ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ लगता है कि नेट जो है स्लो है, वहाँ थोड़ा सा लगता है, लेकिन हमारे जो प्रोफेसर हैं बच्चों से डायरेक्ट फोन पे कनेक्टेड है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही, तो मुझे नहीं लगता इसका कोई बच्चों आप को। मिसेस हरियाणा रही, मिसेस इंडिया फेस रही है, और अब भी कंटिन्यू है क्योंकि दोबारा कंटेस्ट नहीं हुआ। हरियाणवी कला में आप, यानी कि यूथ फेस्टिवल्स में भी बहुत हरियाणवी यस डांस के हाँ अंदर जी आपने बिल्कुल रहा है, और अब एक वर्गल सी ऐसे जैसे चीजें आने लगी थी कि भी हाँ हरियाणवी पॉप के नाम से पॉप्स के कुछ नाम से ऐसे हाँ हर कोई टिकटॉक बना के या अपना डाल हाँ देता। अब हरियाणवी बोली का बॉलीवुड में कितना चलन है, पहले पंजाबी सॉन्ग्स बहुत हाईलाइट थे, हाईलाइट पॉपुलर थे, थे। हाँ अब जी, बताएंगे कि हरियाणवी बोली कहाँ तक पहुंची है। हरियाणवी बोली देखिए हमेशा से ही प्रचलित रही है, हरियाणवी कलाकार जो हैं बॉलीवुड में, हॉलीवुड में और पंजाबी फिल्मों में हमारे हरियाणवी कलाकार बहुत अच्छी भूमिकाएं निभा रहे हैं, और अभी भी हमारे देखिए बहुत सारे स्टार्स ऐसे हैं, मैं नाम लूँ रणदीप हुड्डा जी हैं जिनकी अभी सरबजीत आई थी, कितनी जबरदस्त उन्होंने उसमें एक्टिंग की है, तो यशपाल बहुत, शर्मा हाँ हो, यशपाल शर्मा जी हैं, और बाकी हमारे जो आज के समय में जो संगीत है वो भी हरियाणवी फिल्मों में आप देखिए विदेशों में धूम मच रही है उसकी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाला समय हमारा हरियाणवी इंडस्ट्री का है, जो जो मुझे लगता है कि उसमें मैं भी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊंगी। पूजा आप एक प्रोफेसर हाँ हैं, जी मिसेज हरियाणा रही, मिसेज इंडिया रही, हाँ जी कला के क्षेत्र में, फिल्मी दुनिया में, यानी फिल्म इंडस्ट्री में आपका जाने का कितना महत्व है? आप फिल्म इंडस्ट्री में आप हाँ जी कितना इत्तेफाक रखती हैं वहाँ? देखिए सर, मैं वही बता रही हूँ कि हरियाणा की बेटी हूँ, हरियाणा में महिलाओं को इतनी वो आजादी नहीं मिलती है, मेरा सपन तो यही था कि मैं बॉलीवुड में एंट्री करूँ, लेकिन मुझे सोसाइटी की तरफ से वो एक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, जिसके कारण कि महिलाओं समय से पहले जैसे शादी हो जाना या फिर बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन मैंने कभी भी उसको नेगेटिव वे में नहीं लिया, मैंने उसको भी एक पॉजिटिव वे में अपने आप को एक फाइनेंशियली स्ट्रोंग बनाया, और आज मेरा है कि अगर इन फ्यूचर मुझे एक लेवल पे जाकर अगर वहां पर भी कुछ मुझे अच्छा काम मिलता है तो मैं वो जरूर करूंगी, लेकिन सबसे पहले मेरा है कि मैं हरियाणा में एक अपनी अलग पहचान यानी बनाऊंगी। फेस्ट के अंदर, यूथ फेस्ट में आप बतौर एक हरियाणवी कलाकार कहाँ तक पहुंची हैं? यूथ फेस्टिवल्स में सर मैंने, जैसे कि मैं कॉलेज से ही यहाँ अपने हांसी एसडी कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन की है, तो यहाँ से भी मैं यूथ फेस्टिवल, इंटर यूथ फेस्टिवल वगैरह में हिसार, डीएन कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, बहुत परफॉर्मेंस की है, फर्स्ट रही हूँ मैं उसमें भी। उसके बाद मैंने मास्टर्स की सर कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा से, तो रत्नावली फेस्ट में, और जैसे हरियाणवी होता था हरियाणा डे पर, तो मैंने बहुत पार्टिसिपेशन किया स्टेट लेवल हरियाणवी प्ले में, मेरा फर्स्ट रहा, बेस्ट एक्ट्रेस रही मैं उसमें, और उसके बाद मैंने हरियाणवी फोक डांस जो है वो भी हम करते थे, ग्रुप डांस भी होता था जिसमें हमारा फर्स्ट आता था। उसके बाद सर मेरा नेशनल में हुआ सिलेक्शन, तो मैं चेन्नई में 15 दिन लगाकर आई। अच्छा। हाँ जी, नेशनल में मैंने अपने हरियाणा को रिप्रेजेंट किया, और वहां पर भी प्रेजेंटेशन काफी अच्छी थी, जिसके बाद मेरा इंटरनेशनल के लिए भी हुआ, लेकिन वही आफ्टर मैरिज में उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई, मेरा जो जाने का था तो मैं नहीं उसको पूजा, कवर कर पाई। बीइंग ए सेलिब्रिटी, आप जहाँ जाती हैं आप एक क्राउड पुलर भी हो जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप मिसेज हरियाणा और मिसेज इंडिया रही हैं। तो इस फील्ड में आने के लिए आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा? आपकी ससुराल, ससुराल के बाद, यानी कि ससुराल पक्ष में भी आपने झेलना पड़ा होगा कुछ, या कुछ आपके मायके वालों ने सपोर्ट किया? किसने सपोर्ट किया था? देखिए सर, झेलना तो वही है, जिम्मेवारियां बहुत आ जाती हैं एक महिला के ऊपर, शादी से पहले भी एक बेटी का किरदार निभाना बहुत मुश्किल होता है, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहां पर लड़कियां सेफ भी नहीं होती हैं, कई ऐसा समय भी आता है,
लेकिन हमारा फोकस किस पर है। मैंने हमेशा ही एजुकेशन को सबसे पहले प्रेफरेंस दी है, साथ के साथ अपने शौक भी मैंने पूरे किए हैं, वहाँ पेरेंट्स ने पूरा फुली सपोर्ट किया। अगर मुझे किसी डांस में पार्टिसिपेट करना है तो उनको पता है हमारा बच्चा कहीं पर भी मार नहीं खाएगा, वो अच्छा सा काम करेगा। तो सर मैंने वो कंटिन्यू किया, लेकिन शादी के बाद थोड़ी स्थिति बदल जाती है कि आप एक बहू के किरदार में आ जाते हैं। लेकिन बहू जब ये सब नाचने का, और वो मैं समझती हूँ कि मुझे यही सोच इस हरियाणा में बदलनी है, मैं उन सभी से हाथ जोड़कर कहना चाहूंगी जो बहू को, बहू के सपनों को नहीं समझते हैं। अभी हमारे हरियाणा में एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा है, तो मैं समाज को यही कहना चाहूंगी बहू बचाओ बहू पढ़ाओ। कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता का जो है एक टॉर्चर हो रही है, अपने सपनों को नहीं जी पा रही है, अगर वो जीना भी चाहती है तो उनको दबा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सर मुझे वो सब चीजों को फेस करना पड़ा, लेकिन मैंने अपनी एजुकेशन को एक वेपन के रूप में, एक हथियार के रूप में लिया और एजुकेटेड हुई, और आज मैं अपने सेल्फ डिसीजन ले सकती हूँ, मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूँ। तो आज मैं अपने जो हरियाणवी कल्चर को है या बॉलीवुड है, बॉलीवुड है, कहीं पर भी मुझे अगर मिलता है मौका तो मैं जरूर करूंगी। तो ऐसा कोई पूजा, आपसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। आई फील privilege to talk with you, interact with you on my media हंसी की आवाज। आप इसी तरह खूबसूरती को बिखेरती रहें, और जब भी कोई यानी कि मिसिज इंडिया या मिसिज हरियाणा का कॉन्टेस्ट हो तो उसमें भी आप इसी तरह मिसिज हरियाणा या मिसिज इंडिया या इससे भी मिसिज फेमिना या मिसिज मिसिज वर्ल्ड उसमें आप पार्टिसिपेट करें। आप जब एक महिला बड़ी पॉजिटिव सोच रहे, सकारात्मक उसकी सोच होती है तो नेचुरली कि उसके कदम अनायास आगे बढ़ने लगते हैं और वो मंजिल को पा जाती है। ये थी पूजा आलियान, मिसिज हरियाणा, मिसिज इंडिया, और एक प्रोफेसर हैं हिंदी की, और एक बच्ची की बेटी की माँ भी हैं, इससे हमारी बात हुई। आदमपुर को, आदमपुर में है तो पीजी कॉलेज है वहाँ पर, ये कार्यरत है, कर्मभूमि है उनकी, बेटी है हांसी की। तो आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा हमें दोस्तों। इसी तरह हम ऐसी सेलिब्रिटीज से मिलवाते रहेंगे। प्रतिभा कहते हैं, प्रतिभा किसी की भरोसा नहीं होती है। हम तो इतना ही कहेंगे, चले जाते हैं तेरी महफिल से हम, अगर दिल घबराए तो पूजा फिर बुलाइएगा, फिर मिलते हैं नए